हेलो बच्चा बाटी, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आप सबको यहाँ पे देखने को मिलेगा मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि क्लास 11 के लिए है, केमिस्ट्री का। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहेंगे कि जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और खूब सारा प्यार और सपोर्ट बनाइए इस चैनल को, ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। आप लोग एक एक करके आंसर्स देखिएगा, ठीक है, और आराम से इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। हम आंसर्स यहाँ पे बता दे रहे हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब सेल फॉर विच एल इक्वल टू 3। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा जब एल बराबर हमारा 3 होगा? आपको पता है ना, हम लोग के एल एम एन पढ़े हुए हैं ना, ये ऑर्बिट का नाम है, जैसे स्पेस का नाम होता है ना हर चीज का, आपका मेरा सबका नाम है, तो उसी तरीके से ये ऑर्बिट के हर एक स्पेस का नाम है। तो एल इक्वल टू जब 3 होगा तो वो इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस सबसेल में कितने होंगे? तो वो सबसेल में कितने होंगे? तो 4 होंगे। कितने होंगे? 4। तो 1 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ हैवी वाटर इज, तो हैवी वाटर क्या होगा भाई? सॉरी, 1 का आंसर 14 होगा, 1 का आंसर डी होगा, ठीक है। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 2 का आंसर क्या भाई, हैवी वाटर, तो 20, ठीक है। 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 20। 3 का आंसर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेंट्रेशन यूनिट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इसमें से कौन सा कंसेंट्रेशन डिपेंड करता है टेम्परेचर पे? तो मोलैरिटी, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ठीक है। तो मोलैरिटी होगा ए नंबर आंसर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर फॉर 2p ऑर्बिटल इज, तो 4 का आंसर हो जाएगा p, n बराबर 1, l बराबर 0। 5 का आंसर हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ग्राम लिथियम, 1g लिथियम, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6, 5 का c। Fe इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, Fe हमारा क्या हो जाएगा? डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। और 7 का आंसर हो जाएगा A, 36 ग्राम। 8 का आंसर हो जाएगा A, 2p4, ठीक है। 9 का आंसर हो जाएगा D, 9 का आंसर D, ठीक है। 9 का आंसर हमारा D1। 10 का आंसर हो जाएगा D, ठीक है, 10 का भी आंसर D। 11 का आंसर हो जाएगा B, P ब्लॉक। 12th का आंसर हो जाएगा हमारा UBE, ठीक है। क्वेश्चन हमारा IUPAC सैंपल पूछ रहा था 129, अगर जिसका एटमिक नंबर है तो UB, यूबेनियम। 12th के बाद 13 हेलोजन बिलोंग किसमें करता है, तो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजन ग्रुप कहते हैं, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे ग्रुप 17 के, हम लोग भी पीरियोडिक टेबल में देखे हैं कि ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को हेलोजन कहा जाता है, तो दैट इज आंसर इज D। 14 का आंसर 40 लॉग किसको डिपेंड करता है, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को, ये तो हम लोग आराम से बता देंगे। 40 लॉग वॉल्यूम एंड टेम्परेचर को डिफाइन करता है, उनके रिलेशन के बारे में बताता है। विच इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, तो 15 का आंसर A, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा एबंडेंट, मतलब सबसे ज्यादा कौन फैला हुआ है, तो ऑक्सीजन। 14 का साइन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ BH2+CO, हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन CuSO4, तो इसका आंसर हो जाएगा A। 18 का आंसर हो जाएगा B, CH3 का हॉल 3, फिर C+। 19 का आंसर हो जाएगा D, क्रोमेटोग्राफी। 20 का CaCO3 इज लाइमस्टोन, विच ऑफ द अल्काइल मेटल गिव हाइड्राइड सॉल्टेज, तो इसमें हो जाएगा लिथियम, Li। इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, 22 का आंसर हो जाएगा हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले में, तो इसका आंसर हो जाएगा SP2, ठीक है, SP2, हाँ नहीं, इसका आंसर हो जाएगा SP2-SP3, इसका C हो जाएगा, 22 का आंसर C। 23 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, A। 23 का आंसर A। 24 का आंसर हो जाएगा A। 25 का आंसर हो जाएगा हमारा पिरामिडल, D। 26 का आंसर हो जाएगा हमारा B, मतलब 2। 27 की ओर बढ़ते हैं, 27 इज अ आइसोलेटेड सिस्टम, मतलब D, ठीक है, 27 का D। 28 का भी D, ठीक है। 29 का भी D हो जाएगा, 30 का A, 31 का हो जाएगा D, ठीक है, 32 का हो जाएगा B, 33 का आंसर हो जाएगा D, 34 क्या कहता है, द नेचर ऑफ CO2 गैसेस, तो इसका आंसर हो जाएगा C, नेचर ऑफ बोल रहा है ना CO2 का, तो
इसका हो जाएगा आंसर एसिडिक। ठीक है, थर्मोडाइनमिकल मोस्ट स्टेबल फ्रॉम कार्बन इज, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, तो 36 का आंसर हो जाएगा बी बेसिक। 37 का आंसर हो जाएगा डी। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए CH3CH2CH2Cl। 39 का आंसर हो जाएगा 2-chlorobutane डी नंबर। ठीक है, और 39 के बाद 40 का आंसर हो जाएगा O3, मतलब केमिकल फॉर्मूला ओजोन का O3 होता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ का आंसर सीट। तो आप लोग बहुत अच्छे से अपना देखिए, तैयारी कीजिए और खूब अच्छे से चैनल को सपोर्ट कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।